आज का जो टॉपिक है हमारा सीडिंग मैनेजमेंट ऑफ गोट। गोट को अगर हम महात्मा गांधी और किसी बड़े बड़े लोगों से जोड़ के देखें तो गोट को क्या कहते हैं, पुअर मेन्स काऊ भी बोलते हैं। पुअर मेन्स काऊ इसलिए बोलते हैं कि इसमें काऊ की वो सारी एबिलिटी होती है जो कि एक काऊ में होती है, चाहे वो मदरिंग हो चाहे वो मिल्किंग हो, ये सारी चीज होती है और इसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है। दूसरा, स्पेस कम चाहिए होगा। तीसरा, रिकरिंग जो कॉस्ट है वो कम लगता है। तो बहुत सारी खूबी होती है, इस खूबी के कारण इसको जो है हम पुअर मेन्स काऊ भी बोलते हैं, गरीबों का गाय भी बोलते हैं। अब जब हम बात करें कि किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो 70% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो केवल और केवल फीड में लगता है। तो किसी भी एनिमल प्रोडक्शन सिस्टम को अगर इकोनोमाइज करना है देन वी हैव टू डिक्रीज और रेदर रिड्यूस, यूं कह लो कि उसको इकोनोमाइज करना होगा फीडिंग को, जिसमें स्मॉल रूमिनेंट भी एक पहलू होता है कि हर एक एनिमल में, खास करके कैटल में, बफेलो में या रूमिनेंट्स में, यहाँ पे 70% के आसपास जो हमारा खर्च होता है। तो जब कभी भी हमको एनिमल प्रोडक्शन को इकोनोमाइज करना है तो हमें फीड को इकोनोमाइज करना होगा। दूसरा चीज है कि अभी के दिन में ये देखा गया है कि खास करके बिहार एंड अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, लोगों को ये समझ में आने लगा है कि स्मॉल रूमिनेंट का स्कोप ज्यादा है। वो इसलिए कि पालना जरा आसान है एज कम्पेयर टू कैटल। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है हमारा, नॉन रेकरिंग इन्वेस्टमेंट है, वो कम है, प्रोलिफरेशन ज्यादा है, प्रिफरेंस ज्यादा है। और दूसरा चीज और भी आपने देखा होगा कि गोट के खास साथ एक अच्छी है, बड़ा क्लीन एनिमल होता है, उसको रखना बड़ा आसान होता है, तो इसीलिए ये सारी इसकी खूबी होती है। दूसरा, एक ही एक ऐसा एनिमल है कि मीट का भी यूज कर सकते हो और उसमें ड्यूअल पर्पस अगर है तो मिल्क का भी यूज कर सकते हो। तो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ गोट रियरिंग, जो कि आपने एलपीएम में पढ़ा होगा। इसी के कारण जो है हम गोट रियरिंग को प्रमोट करना चाहिए। अब आ जाते हैं कि जब हम एनिमल फीड के बारे में बात करते हैं कि फीड कैसे होना चाहिए, तो सिस्टमैटिक फीडिंग शेड्यूल होना चाहिए, साइंटिफिक फीडिंग होनी चाहिए, साइंटिफिक बैलेंस फीडिंग होनी चाहिए। और साइंटिफिक बैलेंस फीडिंग की बात जब भी करते हैं तो हमें उसके फिजियोलॉजिकल स्टेज को देखना होता है, बिकॉज फिजियोलॉजिकल स्टेज के हिसाब से ही फीडिंग डिसाइड होता है और फिजियोलॉजिकल स्टेज के हिसाब से ही हम फीडिंग का रिक्वायरमेंट को मैच कराते हैं। डिफरेंट बुक्स में अलग अलग चीजें होगी, बट मैं जो अभी आज बात करूंगा वो प्रैक्टिकल फीडिंग की बात करूंगा। गुड न्यूट्रिशन को अगर हम ओवरऑल बांट के देखें तो वो पहला किड न्यूट्रिशन है, उसके बाद डो न्यूट्रिशन है। डो किसको बोलते हैं, फीमेल ऑफ गोट को डो कहते हैं, फिर मेल को बक कहते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल फीडिंग बताने की कोशिश किया हूँ कि किड का न्यूट्रिशन कैसे होगा, क्योंकि फिर बड़ा होने के बाद, फिर वो मैच्योर हो जाने के बाद, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे पहले किड के बारे में। कभी कभी आप भूल जाते हो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन किड एंड लैम। किड किसको बोलते हैं, गोट के बच्चे को किड कहते हैं, जबकि सीप के बच्चे को लैम कहते हैं। ये एक जनरल प्रिंसिपल है, इवन इन केस ऑफ कैटल भी आपने सुना होगा कि कोलेस्ट्रम, जो कि फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर है या फर्स्ट सिक्रीशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड ऑफ मदर है फॉर देयर ऑफस्प्रिंग, तो उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो सबसे पहला चीज किसी भी एनिमल में, किसी भी लिविंग क्रिएचर में, जिसमें आप मिल्किंग की कहानी है, कोलेस्ट्रम फीड कराना चाहिए और एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। गोट और सीप के केस में भी यही होता है, फर्स्ट 3 डेज में हम कोलेस्ट्रम फीड कराते हैं। और कोलेस्ट्रम फीड का जो रेशियो है, या यूं कह लो कि कंसंट्रेशन है, या यूं कह लो कि डोज है, वो क्या होता है, यहाँ भी 10% ऑफ द बॉडी वेट होता है। तो कोलेस्ट्रम इज गिवन एट द रेट ऑफ 100 ml पर kg लाइव बॉडी वेट। तो एक अंदाज से कि अगर इसको जो है शुरुआत के दिनों में अलग अलग तरीके से, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी वेट, क्योंकि बॉडी वेट वैरी करेगा। अगर आप ब्लैक बंगाल का बॉडी वेट लेंगे तो वो 1 kg हार्डली होगा, फिर जब आप बारबरी का लेंगे, सिरोही का लेंगे, तो सबका अलग अलग चेंज होना शुरू होता है। बट द बेसिक प्रिंसिपल इज कोलेस्ट्रम शुड बी फेड टू एनिमा टू यंग वंस एट द रेट ऑफ
10% ऑफ बॉडी वेट। तो ये फर्स्ट थ्री डेज में कोलेस्ट्रम रहता है, उसके बाद मिल्किंग मिल्किंग और ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑफरिंग मिल्क है, वो 3 से 4 बार होता है। शुरुआत में 3 बार मिनिमम होना चाहिए, बाद में धीरे 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 आप कम करते जाते हैं। यहाँ पे देखोगे कि 14 डेज तक मिल्क देते हैं और 15 डेज के बाद ये वैरी करेगा। शुरुआत क्या करते हैं कि उसमें ग्रीन फॉरेजेस और क्रीपरासन, क्रीपरासन के बारे में चर्चा करेंगे आगे, और धीरे धीरे जो है फिर ये जो मिल्क का कंसंट्रेशन है, मिल्क का कंसंट्रेशन कम करना शुरू करते हैं और फॉरेज को हम बढ़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि फॉरेज या फॉडर को अगर हम नहीं बढ़ाएंगे देन रुमेन डेवलप नहीं होगा, रुमिनेंट है तो रुमेन डेवलप नहीं होगा, ठीक है। 90 डेज के बाद जनरली हम वीनिंग कर देते हैं, 90 डेज के बाद हम वीनिंग तो समझते होंगे आप कि मदर के मिल्क से उसको हटा के जो दूसरे डाइट पे देते हैं, दैट इज वीनिंग। अब क्रीप फीडिंग, आप इसे कोई बताएगा क्रीप किसको कहते हैं, क्रीपर किसको कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हाँ बोलो बेटा। क्रीप सर लतेदार जो पेड़ होते हैं उसी को बोलते हैं, लतेदार पेड़ होते हैं, या फिर जो टॉडलर या क्रीपर जो होता है ना, रेंगने वाली बात होती है ना, क्रीपर का मतलब हिंदी होता है रेंगना। तो ये क्रीप फीड जब कभी भी आएगा तो इसको समझने की कोशिश करना। ये अलग अलग मैं फोटो ढूंढने की कोशिश किया हूँ कि होता क्या है कि ऐसे एक इंक्लोजर बना लिया गया, क्रीप का वर्ड क्या होता है, और इस इंक्लोजर में एक ऐसा इंक्लोजर बनाया गया कि जिसमें केवल उनका बच्चा ही जा पाए, जैसे किड ही जा पाए या लैम ही जा पाए, इसमें मदर ना घुस पाए। तो कभी कभी ऐसे राउंड जैसा भी बना देते हैं समझो, कि उसमें इतना छोटा ओपनिंग होता है कि उसमें केवल किड ही जा पाए, उसमें केवल लैम ही जा पाए, और उसके अंदर में क्या करते हैं, फीड डाल देते हैं, और जो बेबी होता है वो क्रीप करके मतलब रॉल करके रेंग के उसमें जाता है और अपना फीड खालाता है। इसके पीछे रीजन यही है कि वो वाला फीड मदर ना खाए, इसी को क्या कहते हैं हम क्रीप फीडिंग, ठीक है। ये आपके शॉर्ट नोट्स में आते हैं। सो दिस क्रीप फीड मे बी स्टार्टेड फ्रॉम 15 डेज ऑफ एज, धीरे धीरे शुरुआत कर देना है, 50 ग्राम से 20 ग्राम से शुरुआत कर देना है, क्योंकि उस समय मिल्किंग पे होता है, और जैसे ही आप उसको हाईली और न्यूट्रिशियस हाईली न्यूट्रिशियस डाइट देना शुरू करते हैं तो लैम जो है वो किड जो है वो फीड खाना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे फीड खाना शुरू होगा तो मिल्क पे उसकी डिपेंडेंसी कम होने लगती है, और जब मिल्क पे डिपेंडेंसी कम होने लगती है तो वो सॉलिड फूड ज्यादा खाने लगेगा, और जो रैपिड ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको वो जो कंसंट्रेट मिक्सचर जिसको आप क्रीप फीड कर रहे हैं वो उसको सप्लीमेंट करेगा, और बहुत जल्दी ही वीनिंग एज को अचीव कर लेगा, या यूं कह लो कि बॉडी वेट बहुत हाई हो जाएगा, या जो आपका ऑप्टिमम होता है। तो इसमें एक चीज कई बार पूछते हैं कि कितना दिन पे, तो 15 डेज पे करना चाहिए। कब तक, अप टू 2 to 3 months ऑफ एज, क्योंकि उसके बाद वीनिंग हो जाती है, उसके बाद दूसरे राशन शुरू होते हैं। And it should contain 22% of protein, crude protein, जिसको आप कहते हो, better to write crude protein, high concentration of crude protein देते हैं, क्योंकि इसमें requirement ज्यादा है, और requirement को fulfill करने के लिए जब तक आप high concentration वाला protein वाला diet नहीं देंगे तब तक उसकी growth rate नहीं होगी। एक और चीज इसमें लिखा हुआ है, एंटीबायोटिक लाइक्स ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और कोई भी एंटीबायोटिक देते हैं, क्योंकि जैसे काफ डायरिया पड़ा होगा इसमें भी डायरिया होता है, इन्फेक्शन होते हैं, तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए कई बार हम क्या करते हैं इसमें एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। तो क्रीप फीडिंग आप समझ गए कि जो शुरुआत के दिनों में दिया जाता है, क्रीप इज नथिंग बट एन इंक्लोजर जहाँ पे कि उसकी मदर नहीं एक्सेस हो पाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बेबी के लिए फीड रखा हुआ और मदर जाके खा लेती है, तो दिस इज नोन एज क्रीप फीडिंग। क्रीप राशन का या क्रीप फीडिंग का एक सिंपल एक एग्जांपल दिया है, जैसे आपको राशन बनवाया था ना, मेज व्हीट ब्रान ग्राउंड नट केक फिश मील, आजकल नहीं देते हैं बट इट कैन बी गिवन, दाल चुन्नी मिनरल मिक्सचर एंड कॉमन साल्ट। जब मिनरल मिक्सचर ये जब कंसंट्रेट मिक्सचर हम बता रहे होते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि बेसिक प्रिंसिपल कि मिनरल मिक्सचर जो है वो 2% ऑफ द राशन देते हैं और कॉमन साल्ट 1% ऑफ द राशन देते हैं। ये एक थंब रूल है, चाहे वो कैटल के लिए बनाए, बफेलो के लिए बनाए, सीप के लिए बनाए, गोट के लिए बनाए, तो ये 2% कई बार पूछा जाता है कि मिनरल मिक्सचर कितना होता है, तो दिस शुड बी 2% ऑफ द राशन एंड कॉमन साल्ट 1%। तो ये एग्जाम्पल है, आप ऐसे ऐसे बहुत सारा बना सकते हैं क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया है, तो जब ऐसा भी है तो इसको कोशिश करना कि कैलकुलेट करने की 20% हो रहा है कि नहीं, 22% नहीं हो रहा है, तो आगे आप जो प्रोटीन के सोर्स हैं, चाहे वो जीएनसी है, चाहे
उसको आप घटा बढ़ा सकते हो। तो दिस इज क्रीप राशन। नेक्स्ट इज जब 3 months का हो जाता है क्रीप राशन, हम शुरुआत रखते हैं जब 3 months का हो जाता है तो हम विनिंग शुरू कर देते हैं या विनिंग कर लेते हैं। तो विनिंग कर लेते हैं और इस विनिंग का मतलब ये होता है कि मदर के मिल्क से उसको हटा देते हैं। तो जब मदर के मिल्क से हटा देते हैं तब जो है ग्रेजिंग शुरू हो जाना चाहिए। ग्रेजिंग इन द पास्ट ऑफ एटलीस्ट 6 to 8 hours डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, 8 hours से कम उसको ग्रेज कराना चाहिए। उसके अलावा इट शुड बी गिवन कंसंट्रेट मिक्सचर 100 to 200 grams जिसमें कि प्रोटीन कंसंट्रेशन जो है सीपी परसेंट वो कम होगा एज कंपेयर टू क्रीप फीड। जैसे जैसे ग्रोथ होता जाता है, जैसे जैसे क्योंकि यहाँ पे क्या है हाईली न्यूट्रिशियस पास्चर भी मिलता है, दैट्स व्हाई हम जो उसके जो कंसंट्रेट मिक्सचर में उसके प्रोटीन कंसंट्रेशन थोड़े कम कर देते हैं। ड्राई फॉडर ड्यूरिंग नाइट इन समर मंथ एंड ड्यूरिंग रेनी, कि जिस समय कि फॉडर कम होता है चाहे समर हो या कहीं ऐसे जगह पे, तो हम रात में उसमें या मॉर्निंग में भी हम ड्राई फॉडर चाहे वो गेहूं का भूसा हो धान का पुआल हो ये सारी चीज को हम मिलाते हैं। तो अभी तक हमने डील किया 0 to 3 months और उसके बाद 3 months से लेके 12 months तक जबकि एडल्ट एज हो जाता है। ये एक अलग सा है, इसी तरह का क्रीप राशन का ही है। नाउ डू न्यूट्रिशन की मदर के न्यूट्रिशन को थोड़ा एलोबरेट करने की कोशिश किया है और सारी बुक्स में इतने नहीं रहते हैं। इसको समझने के लिए क्या किया हमने, ड्राई पीरियड में ब्रीडिंग में अर्ली जेस्टेशन लेट जेस्टेशन एंड लैक्टेशन। आप इसे कोई बताएंगे कि कितना जेस्टेशन पीरियड होता है, जेस्टेशन लेंथ कितना होता है गोट का, हाउ मेनी डेज? 5 months। ठीक है, तो ये 5 months होता है। तो इसी के हिसाब से तो ड्राई पीरियड का क्या मतलब हुआ, जिस समय आपकी गोट जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ब्रीडिंग में जो कंसेप्शन अब शुरू हो जाता है तो ब्रीडिंग हो गया। उसके बाद अर्ली जेस्टेशन, तो अलग अलग तरीके हैं बांटने के, कभी कई बार अर्ली जेस्टेशन लोग 4 महीने कहते हैं, कई बार 3 महीने कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कई। तो ये लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है कि लेट जेस्टेशन में फीडिंग कैसे कराना है इसको समझना है। अब ड्राई पीरियड किसको कहेंगे, ड्राई पीरियड इसको कहते हैं पीरियड बिटवीन वीनिंग एंड ब्रीडिंग। आपने वीन कर दिया, उसके बाद फीमेल जो है वो ग्रो कर रही है, ग्रो करने के बाद वो एक एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी को अचीव करेगी और सेक्सुअल मैच्योरिटी जब अचीव कर लेगी तब उसको हम ब्रीड कराएंगे। तो ये वाला जो पीरियड है उसी को हम कहते हैं ड्राई ग्रोथ। तो ड्राई ग्रोथ या ड्राई पीरियड जो होता है यहाँ पर भी बॉडी वेट को मेंटेन करना जरूरी है, बॉडी स्कोर को मेंटेन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो ब्रीडिंग में जाएगी, जैसे ही कंसेप्शन होगा और प्रेगनेंसी आएगी, तब तक उसके शरीर में न्यूट्रिशन जो है वो स्टोर होना चाहिए, वेल फीड होना चाहिए। इसीलिए उसको क्या करते हैं, गुड क्वालिटी पास्चर देते हैं, 6 to 8 hours आप ग्रेजिंग करते हैं और उसके बाद इसमें 150 to 350 grams ऑफ कंसंट्रेट मिक्सचर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉडी वेट। अगर छोटे ब्रीड हैं तो 150 grams और अगर हैवी ब्रीड है तो 350 grams। क्या बात, हाँ बोलो। हाँ तो डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉडी वेट ये 150 grams से 350 grams तक हम कंसंट्रेट मिक्सचर देते हैं। और जैसे देखते जाओ, पहले 22 कहा था, फिर 16 to 18 कहा, अब जो है सीपी का या डीसीपी का कंसंट्रेशन जो है वो 12 कर देते हैं, धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं। तो ये हो गया किसके लिए, ड्राई गोट्स के लिए। यही वाला चीज लागू होगा किसके लिए, मेल के लिए भी, मेल के लिए भी ये लागू होगा। ठीक है सर, फर्स्ट लाइन ऐसा क्यों लिखा है लोएस्ट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, लोएस्ट न्यूट्रिएंट एज कंपेयर टू अदर, कंपैरेटिव टर्म लिखा ना, लोएस्ट न्यूट्रिएंट। अगर मैं आपसे साड़े का पूछूं, काफ सॉरी लैम्ब का पूछूं, या फिर जो अभी प्रेगनेंसी में आएगी तब पूछूं, या ब्रीडिंग में जाए तब पूछूं, तो इन सब में सबसे रिक्वायरमेंट क्या होता है, केवल मेंटेनेंस करना होता है। शुरुआत में ग्रोथ पूरा हो चुका है, एक एज आने के बाद क्या ग्रोथ पूरा हो जाएगा, तो केवल मेंटेन करना है और थोड़ा सा और बॉडी वेट को बढ़ाना है। दैट्स व्हाई ड्राई मैटर जो होता है कितना होता है, 2% ऑफ द बॉडी वेट मान ली। और यही है, एक सवाल पूछा जाता है कि ड्राई मैटर इनटेक ऑफ
लैक्टेटिंग डो इज, तो आप जो 2 और 2.5 पढ़ते होगे तो वहां 4 to 5% चला जाता है, ये ऑब्जेक्टिव पूछते हैं हम, ठीक है। तो आप समझ में आया कि लोएस्ट रिक्वायरमेंट किसके लिए, एज कंपेयर टू अदर फिजियोलॉजिकल स्टेज ऑफ लाइफ। एम आई क्लियर, आया समझ में आपको, क्योंकि और सारे फिजियोलॉजिकल स्टेज से इसमें कम होती है। और प्रैक्टिकल डाइट हम अगर करें तो 6 to 8 hours ग्रेजिंग करते हैं, अ कंसंट्रेट मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन बॉडी वेट हम देते हैं। एक टर्म जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, फ्लशिंग। जब आप जेआरएफ की तैयारी करोगे या और कोई तैयारी करोगे तो जो टर्मिनोलॉजी है फीडिंग के कुछ कुछ, लाइक चैलेंज फीडिंग, लाइक फेस फीडिंग, फ्लशिंग, ये सारी चीज आपको जानी होगी। तो फ्लशिंग को एकदम अच्छे से याद कर लेना, फीड ब्रीडिंग एज गोट्स एक्स्ट्रा राशन। अगर हम किसी भी ब्रीडिंग में जाने से पहले, समझ लो कि अब दो तीन सप्ताह के बाद अब उसको हम ब्रीड कराएंगे, हीट में आएगी फीमेल, और उसके पहले हमने उसको एक्स्ट्रा राशन दिया, आज से पहले 500 ग्राम दे रहे थे और 500 के बाद उसको हमने फिर बढ़ा दिया, तो ये जो 25% एक्स्ट्रा राशन देते हैं ओवर एंड अबव मेंटेनेंस, उसी को हम कहते हैं फ्लशिंग। फिर से सुनो, फ्लशिंग का क्या मतलब हुआ कि जितना हम राशन दे रहे होते थे नॉर्मल, उसमें 25% 2 to 3 weeks ऑफ ब्रीडिंग बिफोर ब्रीडिंग हम देना शुरू कर देते हैं, एंड इस तरह के फीडिंग मेथड को क्या कहते हैं हम, फ्लशिंग कहते हैं। जैसे क्रीप फीडिंग बताया था कि 15 डेज पे शुरू करते हैं, ये कब शुरू करते हैं, ब्रीडिंग में फीमेल को 2-3 सप्ताह पहले शुरू करते हैं। इससे क्या होता है, एक पॉस्टुलेट है या यू कह लो कि इंक्रीज ओवुलेशन रेट, नंबर ऑफ ओवुलेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ किड्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। मैंने फोटोग्राफ दिखाया है, जैसे ब्लैक बंगाल इज फेमस फॉर ट्विनिंग ट्रिपलेट, बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब हम उसको अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, फ्लशिंग होगी, और जब फ्लशिंग होगी देन इट कैन लीड टू हायर ओवुलेशन रेट, और फर्टिलिटी होगा, कंसेप्शन रेट होगा, मल्टीपू जिसको ट्विनिंग बात करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ये आपके कभी ना कभी पूछे जाएंगे, कभी ना कभी ये वाला सवाल जो है वो। ठीक है, तो फ्लशिंग को क्या हो गया, फ्लशिंग को आप समझ गए ना, व्हाट डू मीन बाय फ्लशिंग। फ्लशिंग का मतलब हुआ कि एक्स्ट्रा राशन ब्रीडिंग सीजन के पहले अगर देते हैं देन इट इज नोन एज फ्लशिंग। ये हम कभी ना कभी आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट वन इज अर्ली जेस्टेशन। अर्ली जेस्टेशन, जैसे 150 डेज का जेस्टेशन होता है तो फर्स्ट 100 डेज को हम क्या कह देते हैं, अर्ली जेस्टेशन कह देते हैं। फर्स्ट 100 डेज को क्या कहते हैं, अर्ली जेस्टेशन, और उसके बाद जो लास्ट का 50 डेज होता है उसको हम लेट जेस्टेशन कहते हैं। कई बार आपको उसमें 4 months तक जो है 120 डेज तक कहते हैं जेस्टेशन का अर्ली पीरियड और बाद में, तो ये मैटर नहीं करता है, बस इतना ही ध्यान में रखना है कि जो लास्ट वाला पीरियड होता है, चाहे वो कैटल में हो, चाहे वो बफेलो में हो, चाहे वो ह्यूमन बींग हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्यों इंपॉर्टेंट है आगे हम लोग बात करेंगे। तो जेस्टेशन पीरियड फॉर ऑफ गोट इज 150 डेज, और जो फर्स्ट 100 डेज होता है वो है अर्ली जेस्टेशन, जिसमें कि थोड़ा बहुत ही फीटस का ग्रोथ होता है, कंसेप्शन हो गया, एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो धीरे धीरे वो बड़ा होते जाता है, लेकिन इस समय बहुत फास्ट ग्रोथ रेट नहीं होता है। तो इसीलिए जितना आपने मेंटेनेंस के लिए दिया था, ये जो पहले आप फीड करा रहे होते हैं उतना से ही काम चल जाता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि मॉनिटर बॉडी कंडीशन को, अगर बॉडी कंडीशन इसको डिटोरिएट कर रहा है, कम होता चला जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, फीडिंग को थोड़ा ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं अर्ली जेस्टेशन राशन, या यूं कह लो कि फीडिंग ऑफ गोट ड्यूरिंग अर्ली जेस्टेशन। अब आ जाओ लेट जेस्टेशन। लेट जेस्टेशन में क्या हो गया, लास्ट 50 डेज कहा था, और ये क्यों क्रिटिकल है, बिकॉज 70% ऑफ द टोटल फीटल ग्रोथ, जितना भी चाहे वो बोन का हो, चाहे उसके बॉडी का कंपोजिशन हो, वो सारा चेंज करता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हर एक एनिमल में। तो जो लास्ट का जो लेट जेस्टेशन पीरियड होता है, वहां पे हमें न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और अगर नहीं हम ध्यान देते हैं देन इट कैन लीड टू लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट का मतलब जो बॉडी वेट होगा बेबी का वो कम होगा, और जब लो बर्थ वेट होता है तो मोर्टलिटी बढ़ जाती है। लो मदरिंग एबिलिटी। मदरिंग एबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि
मदर खुद ही डेब्लेटेड है, मदर खुद ही पुअर न्यूट्रिशन में है, तो अपने बेबी को कैसे नरिश करेगी। लो मिल्क प्रोडक्शन, ये सारा कुछ जुड़ा हुआ है। एंड अगर निगेटिव एनर्जी बैलेंस में है तो आपने बड़ा अच्छे से पढ़ा था किटोसिस, और इसी का किटोसिस का ही दूसरा नाम है प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। दिस मीन लैक ऑफ एनर्जी, इनफ एनर्जी, जो जैसे ही पार्चुरेशन होगा, जैसे ही बेबी को जन्म देने के बाद जो मिल्किंग की जरूरत होगी, तो वहां पे हैवी एनर्जी डिमांड होता है, और अगर एनिमल ने के बॉडी में सफिशियंट एनर्जी नहीं है, देन इट कैन लीड टू कीटोसिस, जिसमें कि कीटोन बॉडीज बनते हैं, जो आपने कीटोन बॉडीज पढ़े थे, चाहे वो एसिटोएसिटेट हो, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट हो, तो कीटोन बॉडीज बनना शुरू हो जाता है, और इसी का दूसरा नाम इसमें हम क्या कर देते हैं गोट में, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। अब जो हमने बात किया था कि एट दिस स्टेज गोट रिक्वायर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फीड इनटेक, जो 2% 2.5% देखते थे, यहाँ पे 4-4.5% ऑफ बॉडी वेट देना होता है, बिकॉज रिक्वायरमेंट ऑफ गोट एज वेल एज रिक्वायरमेंट ऑफ फीटस इज हायर द हाईएस्ट स्टेज, इसलिए इस जगह पे हम क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा और न्यूट्रिशियस डाइट देते हैं। यहाँ भी हम ग्रेजिंग 4-5 hours करते हैं, और इन एडिशन उसके अलावा जो कंसंट्रेट मिक्सचर है वो 250-350 or 400 grams तक देते हैं, ताकि जो लेट जेस्टेशन में जो ग्रोथ हो रहा है, फीटस का ग्रोथ हो रहा है, बेबी का ग्रोथ हो रहा है, वो अच्छे से रहे, और जैसे ही पार्चुरेशन हो, जैसे ही क्यूडिंग हो, तो उसके बाद एनिमल जो है वो निगेटिव एनर्जी बैलेंस में ना जाए, और उसकी मिल्किंग जो एबिलिटी है वो बनी रहे। लैक्टेटिंग डो, वही जो 4% दिया था उसमें भी देते हैं, और एक सिंपल है 6-8, जैसे ही क्यूडिंग हो गया, तो डिपेंड करेगा कि आप किस जगह पे रख रहे हैं, बट अगेन 400-500 grams कंसंट्रेट मिक्सचर, 4-5% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 4-5% जो है डायमीटर इनटेक होना चाहिए टोटल बॉडी वेट का, तो इससे जो है उसकी हम लैक्टेटिंग डो की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अगेन क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेट मिक्सचर शुड बी एट पार, बहुत अच्छा होना चाहिए एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन, एट द टाइम ऑफ लेट जेस्टेशन पीरियड। बक न्यूट्रिशन, जो ब्रीडिंग के लिए तैयार हुआ उसको हम बक कहते हैं। अगेन इसका फीड इनटेक जो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होता है, ग्रेजिंग 6-8 hours करते हैं। जनरली अगर अच्छा पास्चर है, अच्छा पास्चर लैंड है, या यूं कह लो कि जहां आप ग्रेज कराते हैं, अगर अच्छा है देन इट इज सफिशिएंट टू नरिश बक, और अगर नहीं है देन यू नीड टू ऐड 500 grams ऑफ कंसंट्रेट मिक्सचर, क्योंकि बॉडी वेट एज कंपेयर टू फीमेल हाई होता है, रिक्वायरमेंट भी हाई होती है सीमन प्रोडक्शन के लिए, दैट्स वाई इसको कुछ एक्स्ट्रा कंसंट्रेट मिक्सचर देना होता है, दैट इज 500 grams ऑफ कंसंट्रेट मिक्सचर। ठीक है, एक और चीज जो फीडिंग हैबिट जो कि शुरुआत में चर्चा करना चाहिए था, गोट्स आर नेचुरल ब्राउजर। एक सवाल कई बार हम पूछते हैं जब ट्रेनिंग लेते हैं, तो पूछते हैं कि व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन कंप्यूटर एंड गोट, व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन कंप्यूटर एंड गोट, क्या होता है गोट और कंप्यूटर में क्या, या आपके गोट और मोबाइल में क्या सिमिलरिटी है, ये वाला सवाल जो शुरुआत में ऐसे ही करता हूँ। गोट्स आर नेचुरल ब्राउजर, ब्राउजर इसलिए कहता हूँ कि आप जब अपना सिस्टम ऑन करते हैं वो भी ब्राउज करता है, फाइल को जब ढूंढना शुरू करते हैं ना, तो वो भी दिस इज नोन एज ब्राउजिंग, एंड गोट्स आर ऑल्सो ब्राउजर। ब्राउजर के बारे में और आगे बात हम बात करें। फीड्स गिवन मस्ट बी क्लीन एंड फ्रेश, बड़ा चूजी एनिमल होता है, और आपने एक बार कैटल में देखा होगा कि फीड आपने ऑफर किया, ऑफर करने के बाद नीचे गिर गया, तो अगर उसको ट्रैम्पलिंग भी कर दिया, पैर से चल भी दिया, तो वो खा लेती है, काऊ खा लेती है। लेकिन गोट का है कि अगर वो खुद का फीड गिर गया और वो एक बार उस पर पैर से चल दिया या गंदा हो गया, यूरिन उस पर चला गया, वो कभी नहीं खाती है, तो बड़ा इस मामले में बड़ा चूजी है, बड़ा सेलेक्टिव है। कभी भी वेट स्टेल और ट्रैम्प का मतलब कि ऊपर से अब चल दिया अगर, तो गंदा वाला फीड वो खाना पसंद नहीं करता है। उसके बाद अगर मॉल्डी और मस्टी है, जब उसमें स्मेल आना शुरू करे, तो वो ऑफ फेड हो जाती है, वो खाना पसंद नहीं करती है। और जो सबसे ज्यादा इसका पिकुलरिटी है, दैट इज ब्राउजर। ब्राउजर के लिए जो लेवाइल आप लिप्स कहते हैं, देखा होगा कि वो उससे पकड़ती है, वो
टंग से और लिप से पकड़ती है, तो ये है इसकी फीडिंग हैबिट। और कई बार सवाल पूछते हैं कि खास करके एलपीएम में एक ग्रेजिंग एरिया है और इस ग्रेजिंग एरिया में किसी एनिमल ने ग्रेज किया, ग्रेज करने के बाद आप कैसे बताएंगे कि आपने देखा नहीं, कैसे बताएंगे कि कौन सा एनिमल ग्रेज करके गई। तो यहीं से शुरुआत होता है कि ग्रेजिंग का पैटर्न जो होता है वो कैटल का अलग है, बफेलो का अलग है, सीप का अलग है और गोट का अलग है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट फीडिंग। अभी आपका टाइम खत्म होगा तो फिर दोबारा हम शुरुआत करेंगे कुछ और, 10-15-20 मिनट का और है, और उसके बाद आपके कोई अगर सवाल होंगे तो पूछना। ठीक है, अभी तक में कोई ऐसा सवाल? सर नेचर ब्राउजर अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। ब्राउजिंग क्या होता है? कभी भी आपने गोट को देखा होगा ना कि दोनों पैर ऐसे खड़ा करके और ऊपर वाला चीज को खाना शुरू करती है, लीव्स के ऊपर वाला लीव्स को खाना शुरू करती है। दिस बिहेवियर इज नोन एज